हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक 2020 के कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लेके आया हूँ। किस प्रकार से इसके सम्स आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं। तो सबसे पहले एक दो आइडेंटिटी जान लेते हैं, उसके बाद फिर सम्स करते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, इन्हीं पे ही डिपेंड है जो एग्जाम में आते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जैसे शॉर्टकट में देख लेते हैं, जैसे साइन और कॉस, साइन कॉस और टैन थीटा। अब इनका इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और इसका अपोजिट सेक, इसका अपोजिट कॉट। ये चीज इनके अपोजिट होते हैं। अब जैसे आ जाए साइन थीटा, तो क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा, और अगर सेक कह दिया जाए तो वन अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, अगर टैन कह दिया जाए तो वन अपॉन कॉट थीटा होता है, सिंपल सी बात, और कॉट कह दिया जाए तो वन अपॉन टैन होता है। ये है, आप देखिए जरा, अभी और बताएंगे आइडेंटिटी, लेकिन आगे देख लो। अच्छा, एक और आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वन होती है। बच्चों याद रखिए, हमेशा अगर थीटा सेम है और प्लस में है तो उसकी वैल्यू वन होगी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो दूसरा एक फार्मूला बन जाता है, वो क्या बन जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इतना क्लास का सम्स नहीं सॉल्व करना है। इसकी आइडेंटिटी में भी वन होता है, जब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब थीटा जगह कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू वन होगी। उसी प्रकार cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसका भी मान वन होता है। तो ये जानकारी के लिए थोड़ा चाहिए, काम लगेगा कैसे है, और त्रिकोणमिति टेबल पता हो। अब देखिए सम्स आते किस टाइप के हैं, जैसे आ गया हमारा साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। अब अगर साइन कॉस है और डिवाइड में हो, कॉस ऊपर हो, अब जैसे देख लो सेकंड नंबर, जैसे कॉस यहाँ 70 आ जाए, यहाँ साइन 20 आ जाए, या ऊपर आ जाए कॉस 23 अपॉन नीचे 67 डिग्री, मतलब डिग्री है। अगर हम ये दो इनका ऐड 90 डिग्री होता है दोनों का, हमेशा दोनों का सम अगर एंगलों का 90 डिग्री होगा तो ऐसी कंडीशन में इनके आंसर वन होंगे, और साइन कॉस होना चाहिए ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में। जैसे देखो एक और, अब जैसे आ गया साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस, अब कॉस आ गए यहां पर क्या 41 डिग्री, आप दोनों को सम करिए 90 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, सिंपल सी बात। तो ऐसे सम्स बच्चों जब आए साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, कॉस अपॉन साइन, देखिए उनके एंगलों का सम 90 डिग्री हो रहा है क्या, तो आंसर वन हो जाएगा। तो ये आसान सी टेक्निक थी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए और, जैसे आ गया हमारा कॉस 35 डिग्री अपॉन साइन, यहां पे साइन क्या आ जाए 55 डिग्री, अब देखिए दोनों का सम 90 होगा तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन होते हैं। अगर
क्वेश्चन अगर यही चीज ऐसे दे दिया जाए माइनस में, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, तो इसके आंसर बच्चों क्या आएंगे, हमेशा जीरो आएंगे। जब डिवाइड में होंगे तो वन होगा, लेकिन अगर माइनस में आ जाए जैसे कॉस 23 डिग्री और साइन 67 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा, वन। एंगलों का सम 90 हो और सब 90 हो और साइन माइनस का हो बीच में, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, और एक देख लीजिए, जैसे आ गया हमारा क्या, कॉस आ गया 31 डिग्री माइनस साइन आ गया हमारा क्या 59 डिग्री, क्या 59 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जीरो ही होगा, क्योंकि इनको देखिए 90 होना चाहिए, माइनस में है तो उसका आंसर जीरो होगा। ये रट लीजिए बिल्कुल, अगर अपॉन में है सम है तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये हमारा ऐसे सम्स जरूर आते हैं एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन एक दो करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाए साइन 0 डिग्री और साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री डॉट 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 डॉट, साइन 100 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। या दूसरा आ जाए कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, कॉस 150 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें आप कॉस 1 डिग्री हमें आंसर नहीं पता, कॉस 2 डिग्री का नहीं पता, 3 का नहीं पता, और 150, अब 150 ये है 90 प्लस 60, क्या 150 दिया गया है, क्या 150 यहां दिया गया डॉट डॉट करके, तो 150 को क्या लिख सकते हैं, वो चीज ध्यान देना है। अब अगर यहां पर आंसर 90, यहां 89 कर देते, क्या 89, तो क्या था, इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर यहां पर 90 कर देते तो क्या था, अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाता, कॉस 90 की 0 होती है, इसलिए 0, साइन 90 का 1 होता है। तो क्वेश्चन को पहले यहां तक पूरा रीड करिए, फिर क्या आता है, फिर उसको देखिए, जैसे टाइप 4 देखिए क्या आ जाता है, टाइम 1 डिग्री इनटू टाइम 2 डिग्री टाइम 3 डिग्री डॉट 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 टाइम 89 डिग्री। अब इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए हमें इनके वैल्यू पता तो है नहीं, लेकिन टाइम 90 इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट, क्या आ जाएगा, कॉट 1। अब कॉट 1 को क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये टाइम 90 माइनस थीटा कॉट होता है, अब कॉट को क्या लिख दो, 1 अपॉन टाइम, तो ये टाइम टाइम ये सब कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस कंडीशन में आंसर 1 आएगा, तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो अब जैसे आ जाए हमारा क्या, फोर्थ टाइप टाइम 2 डिग्री और टाइम 3 डिग्री टाइम 4 डिग्री डॉट 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 टाइम 88 डिग्री, अब क्या आएगा देखिए, यहां देखना है अगर इसका सम 90 हुआ तो क्या गया 1, अब यहां भी इसका सम 90
90 होगा 82 प्लस 2, तो इसकी आंसर सिंपल सी बात 1 आ जाएगा। तो ऐसे सम्स फट से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है अगले टाइप का। अब जैसे आ जाए टैन और कॉट, टैन 45 डिग्री अपॉन कॉट, अब आगे इसमें क्या आ जाएगा 45 डिग्री, दोनों सेम है, दोनों का सम 90 है और डिवाइड में है, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक, ये सम डिवाइड में टैन कॉट हो, साइन कॉस हो और सेक कॉसेक हो, तो उस कंडीशन में आंसर 1 ही आएगा, बशर्ते इनका सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो और टाइम का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में देखिए, अगर आ जाए टाइम ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और टाइम ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3। अब हमें पता है कि ये टाइम 60 की वैल्यू होती है और ये 30 की वैल्यू, ठीक, तो टाइम टाइम तो ऐसे हट जाएगा। ठीक, अब ये किसका होता है टाइम 90, ये टाइम 60 और ये हमारा टाइम 30, तो टाइम टाइम तो हट जाता फटाफट, ये 30 है, तो जब जोड़ते हैं तो ए पता लग जाता, जोड़ने पे इनका आधा ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती 90, 90 का आधा 45 डिग्री आ जाएगा, और घटाने पे पता लग जाएगा ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा 60 - 30, 30 आएगा, 30 का आधा 15, तो ये हमारा ए बी की वैल्यू निकल आएंगी, ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, ए और बी की, तो 45.15 डिग्री ये आंसर आ जाएंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, आ गया हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, कोई ले लेते हैं जैसे अब साइन में तो क्या जाता है इसे √3/2 आ गए, आ गया साइन ए माइनस बी, ठीक, अब साइन ए माइनस बी 1/√2 ले लिया, ये तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती 60 की, अगर टेबल नया हो तो रिवाइज कर लेना, दिक्कत हो तो बताइएगा समझा देंगे, साइन 45, ठीक, या यहाँ पर 30 लिख लो 1/√2 कर दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये साइन साइन हट जाएगा, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जब प्लस माइनस हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो ए हमारा आ जाता है, तो ये कितना हो 90, 90 का आधा 45, ठीक, सिंपल सी बात। अब इनको घटा देंगे उनका आधा कर देंगे तो बी आ जाएगा, 60 में 30 घटा है 30 का आधा 15, तो बी हमारा क्या आ गया 15 डिग्री, तो इस तरह हमारा ये निकल आता है। अगर बच्चों क्वेश्चन इस तरह आ जाए साइन थीटा टैन थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें याद रखना है कि जो वैल्यू 1 होती है वो किसकी होती है टैन 45 डिग्री की, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाता है। अगर कह दिया जाए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों इसको थोड़ा नीचे खिसका लो, साइन बटे कॉस थीटा आ गया बचेगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं टैन, अब ये किसका मान होता है 45 का, तो टैन 45, तो इससे भी थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा लगाना है, कई बार पॉलिटेक्निक में रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे सम्स पे ध्यान देना है, और अगर सम्स आ जाए तो कैसे करेंगे, अगर कोई वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है तो उसको कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों कह दिया जाए हमारा tan थीटा बराबर दे दिया जाए 3/4। अब कह दिया जाए साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो हमें सबसे पहले फट से माइंड में लाना है समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज दिमाग में लाना है, ए बी सी मान लो ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल के सामने, हाइपोटेनस होती है और ये बेस होती है। टैन में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा 3 है ये 4 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दो तो ये हमारा हाइपोटेनस पता लग जाता है। कैसे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारे ये 5 पता लग जाता है। तो कैसे पता लगता है देखिएगा, साइन अगर निकालना है तो 5 अपॉन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है हमारी 3 कर्ण है 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस निकालना है तो कॉस में क्या होता है बेस, बेस क्या है 4 हाइपोटेनस 5। अब अगर हमें सेक निकालना हो तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 5/4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/4। अगर कोसेक निकालना हो तो साइन का अपोजिट होता है 5/3, ये चीज याद रखिएगा। कॉट निकालना हो तो टाइम का अपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा। अब होता क्या है फार्मूला को देख लीजिए, अब फार्मूला क्या है हमारा देखो, जैसे साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टाइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और इसका उल्टा क्या होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार, और इसका कॉट अब क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब उसमें लिखना है तो लिख सी, इसको शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं साइन कॉस टाइम, ये तीनों याद होने चाहिए सीरियल से। तो जो होता है लाल बटे क्या, लाल बटे टक्का। ठीक, अब इससे साइन का पता लग जाता है कि लंब बटे कर्ण है। ठीक, कॉस आ की मात्रा है तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टाइम लंब बटे आधार हो जाएगा, या तो और दूसरी तरीके से याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से भी याद कर सकते हो। अब ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन आ जाएगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, और टाइम, टाइम क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बुरा ना मानना बच्चों, या कोई भी हो याद करने के लिए ऐसा बनाया गया है, भूखा प्यासा कोई नहीं है। ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में थोड़ा इससे हट के सम्स लाएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे आने वाला पार्ट आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू, नोट इट डाउन।